हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार इवनिंग स्नैक्स। अच्छा, इसका सस्पेंस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। तो ये रहा आज के वीडियो का हीरो, शकरकंदी स्वीट पोटैटो या मिष्टी आलू कह लें। आज हम इसके छोटे छोटे इसके टुकड़े कर देंगे, मतलब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसे हम एक छोटे से बर्तन में रख देते हैं, और मैंने यहाँ पर एक बड़े मुँह वाला बर्तन लिया है, पानी रख दिया है और इसे 10 मिनट के लिए हम स्टीम कर देंगे। 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। देखिए, इसका छिलका निकल आया है, ये अच्छे से स्टीम हो चुका है और अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और एक दूसरा पैन ले लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पर कुछ मूंगफली मैं यहाँ रोस्ट कर ले रही हूँ। अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे और ये हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और अच्छे से क्रश कर लेंगे। वापस इसी पैन में मैं थोड़ा सा यहाँ ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, और डाल देंगे यहाँ पे चॉप्ड हरी मिर्ची, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पर हम हमारी शकरकंदी, जो आज के हमारे वीडियो का हीरो है। इसे हम रेड अच्छा से रोस्ट होने तक इसे भून लेंगे। तो आज का सस्पेंस, मुझे लग रहा है आपने थोड़ा थोड़ा गेस कर लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं रेसिपी। तो बहुत देर तक आप सस्पेंस ना रखते हुए मैं ही बता देती हूँ कि आज हम बना रहे हैं यहाँ पर शकरकंदी का चाट, जो कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। आप इसे अपने डाइट चार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये तैयार हो गया हमारा यहाँ पे रोस्टेड पोटैटोस, स्वीट पोटैटो। अब मिलाते हैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन, कटे हुए बारीक प्याज रखे थे, और बारीक कटे हुए टमाटर, और 1 टेबल स्पून नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और ऐड करेंगे यहाँ पर सॉल्ट। मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट लिया है, आप चाहे तो रेगुलर सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, और आमचूर पाउडर और हरी धनिया पत्ती का चटनी, और साथ ही चाट मसाला भी मैंने डाला था। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। साथ में डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती बारीक कटे हुए, ये तो चाट की जान है। और यहाँ हम मिला रहे हैं पीनट, जिसे हमने रोस्ट करके रखा था। ये इसकी जो बाइट आती है ये बहुत ही मज़ेदार होती है। और ऊपर से थोड़े से फिर से टमाटर, प्याज, हरी धनिया पत्ती का चटनी मिलाकर हम इसे सर्व करेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा हेल्दी चाट। अब इसे प्लेटिंग कर देते हैं। इसे हम अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं कुछ कटे हुए टमाटर, धनिया पत्ती चटनी, लाल टमाटर की चटनी से भी आप इसे डेकोरेट कर दें, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से बहुत सारे धनिया पत्ती डालकर गरम गरम मसाले वाले चाय के साथ में इसे सर्व करें, तो इस चाट की मज़ा ही कुछ और आती है। ये शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।